एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 8 करेंगे, दैट इज मोशन। इस चैप्टर में अभी तक हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ी है, ग्राफ्स पढ़े हैं, किस तरीके से डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, मोशन की डेफिनेशन, रेस्ट एंड मोशन के डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स, मीन्स की पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट के दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशंस एंड सेकेंड इज सर्कुलर मोशन एंड उसके कुछ फॉर्मुलेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम जितना भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उन सब के नोट्स आपको पीडीएफ की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और इस चैप्टर की बाकी वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड्स। जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो हमारे पास ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, थर्ड इज 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन हमने न्यूमेरिकल फॉर्म में बहुत बार यूज करी है, बट जब हम इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं तो ये हमसे डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, हमसे ये इस फॉर्म में पूछी जाती है। इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम रिलेशन को डिराइव करिए, इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन कैसे आया, या फिर इक्वेशन ऑफ पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इनकी डेफिनेशन ये ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको गिवन होता है और फिर उनमें से किसी भी एक इक्वेशन को, इन तीनों में से जो भी लिखी होती है उस इक्वेशन को हमें डिराइव करना होता है। तो आज इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन इक्वेशंस की डेरिवेशंस होती हैं और किस तरीके से इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है और अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ये जो आपको ग्राफ की फॉर्म में दिख रहा है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो दिख रही है, हम तीनों इक्वेशंस की डिराइव इसी के बेसिस पे करेंगे, बस एरिया अलग अलग लेंगे और फॉर्म अलग हो जाएगी, बाकी जो फिगर है आपका वो हर बार यही सेम रहेगा। तो इसमें देखिए, सबसे पहले लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो मैंने आपको यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म पढ़ाया है और उसमें हमने देखा है यूनिफॉर्म का मतलब जब आप एक स्ट्रेट लाइन में पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इस पर्टिकुलर एक पॉइंट से लेके सेकेंड पॉइंट तक एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा ग्राफ है। अब जो इसमें हमने ये डॉटेड लाइन है ये हमारी इमेजिनरी है, हमने परपेंडिकुलर खुद से ड्रॉ किया है। जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप मीन्स कि कोई भी लाइन कितनी ज्यादा उठी है और कितने लंबे टाइम तक, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी और ये टाइम कैलकुलेशन के लिए कि इस टाइम तक ये रे जा रही है। अब देखिए, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डी बी आपकी एक्सेलरेशन है, ये डी पॉइंट और बी ये आपकी एक्सेलरेशन है। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम करते हैं तो उसमें भी और बाकी की सारी इक्वेशंस में भी ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो ऑब्वियसली हम इसमें वेलोसिटी की बात करेंगे। और हमने पढ़ा है कि जब इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो वेलोसिटी हमारे पास दो टर्म्स में होती है, एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं और वी को फाइनल के लिए रखते हैं। नाउ लेट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ पे दो चीजें आपको दे रखी है, फर्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जो कि यू है, देन सेकेंड इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो ए है। अब जब कभी भी पॉइंट ऊपर, यहाँ पे देखिए आपको एक ग्राफ में दिखा रखा है कि जब पॉइंट यहां से डी से बी तक जब जा रहा है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। यहां पे पॉइंट था, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट से मीट करा, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है। तो मींस के ये यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी एंड वी हो गया फाइनल वेलोसिटी। उसके अलावा हमने पैरेलल लाइंस को ड्रॉ किया है, आपका ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल हमने लाइंस को ड्रॉ किया है, एक तो ये वाली लाइन जिसको डी ए से आपने बोला एंड उसके बाद में डी से जो आपका डी पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है वहां से हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है। आप चाहे तो ये बोल सकते हैं कि जो आपका एक्स एक्सिस है ओ ई जिस पे मैंने रखा हुआ है ये एक्स एक्सिस है, यहां से मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है, या फिर जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया ये डी पॉइंट, यहां से हमारा ये आपका पैरेलल ड्रॉ किया है। देन नेक्स्ट है एक और लाइन हमने बनाई बी ए, ये आपकी लाइन है एक्सेलरेशन के लिए। अब जो बी है ये भी हमने पैरेलल ड्रॉ किया है
फ्रॉम द पॉइंट बी, क्योंकि ये आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन आके पूरा कंप्लीट हो रही थी जब इसने मीट किया वाई एक्सिस पे। तो अब आप देखिए इसमें नीचे ओ ई जो है आपका वो टाइम है टी, टाइम को आप टी से शो करेंगे, देन उसके बाद में बी ई इज इक्वल टू ए बी प्लस में ए ई। अब देखिए यहाँ पे आपकी बी ई ये लाइन है, अगर आप देखें तो बी स्टार्टिंग पॉइंट है यहां से और ये ई एंड हो रहा है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में आपके दो पॉइंट्स आते हैं, मतलब एक पॉइंट दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो बी ई इक्वल्स टू बी ए प्लस में ए ही हो जाएगा। उसके बाद में ये आपका फाइनल वेलोसिटी के लिए, जब हम फाइनल वेलोसिटी की बात करेंगे मीन्स की वी की, तो वो आपका क्या होगा डी सी प्लस में ओडी, ये लाइन आपके, जब आप इस लाइन के लिए देखेंगे तो बी ए प्लस में बी ई हो जाएगा, सॉरी बी ए प्लस में ए ही हो जाएगा, और इस लाइन के लिए जब आप देखेंगे तो वी यू या सी डी प्लस में डी ओ, तो ये एक पूरी कंप्लीट लाइन हो जाएगी। इसे आप इक्वेशन वन नाम दे देंगे। ओ डी जो है आपका वो यू के इक्वल है क्योंकि ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। अब देखिए इसमें ओ डी को आपने यू लिया और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी आपका, आपके पास दो वेलोसिटीज होती हैं इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में, इनिशियल एंड फाइनल, तो जब हम उन दोनों को माइनस कर देते हैं अपॉन में टोटल टाइम टेकन ले लेते हैं तो आपकी एक्सेलरेशन आ जाती है। सेम आपने किया, वैल्यूज पुट करी इक्वेशन से जो दो इक्वेशन हमने मेजर करी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब जब हमने दो इक्वेशंस फर्स्ट में एक में v की वैल्यू थी दूसरे में आपकी at की वैल्यू थी, वो दोनों हमने इसमें पुट करी, दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करके हमारी इक्वेशन आती है v इज इक्वल टू यू प्लस में at। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अलावा ये रिलेशन होता है इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम के बीच में, ये इन चारों के बीच का एक रिलेशन भी होता है। सेम एज सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन फॉर डिस्टेंस या फिर पोजीशन दोनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं, और टाइम रिलेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। सेम आपने ग्राफ बनाया है बट इसमें चेंज ये हुआ है कि हमने यहाँ पे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ना मेजर करते हुए आपने ये एक्सेलरेशन है इसके अंडर जो स्लोप के अंडर जो होता है वो आपका एरिया कैलकुलेट होगा, और ये ट्रेपीजियम की फॉर्म है, ठीक है। अब इसमें देखिए जब कभी भी स्ट्रेट लाइन होता है तो उसमें डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट के इक्वल माना जाता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपकी दोनों चीजें इक्वल है तो इसमें जो हम मेजर करने वाले हैं ओ डी बी ए ई, ये जो फॉर्म है ये जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ट्रेपीजियम दिख रहा है, अब इसमें हम यही पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें सबसे पहला आता है आपका डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम टी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी डी ओ ई, जो हमने टाइम लिया है टाइम आप स्मॉल टी से डिनोट करेंगे वो एरिया ए बी ए सॉरी डी बी ए ई ओ, ये जो आपका ट्रेपीजियम है इसके एरिया के इक्वल है। अब यहाँ पे देखिए लेट द टाइम गिवन टी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट एस, स्मॉल एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, बट एज आई सेड कि स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड होता है, तो आप यहाँ पे स्मॉल एस ले लेंगे। और जब हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करेंगे जो एरिया आप जब जिसका निकालेंगे तो उसका भी मतलब वो इक्वल है किसके डिस्टेंस एस के, और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा ट्राइंगल का जो एरिया है वो, आपके इसमें दो फॉर्म दो डायग्राम्स बन रहे हैं इस ट्रेपीजियम में, फर्स्ट तो ये ट्रायंगल, सेकंड ये आपका रेक्टेंगल। तो अगर आप ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखिए डी बी ए ये आपका एक ट्रायंगल हो गया और ये रेक्टेंगल है, डी ओ ई ए ये आपका रेक्टेंगल हो गया, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा। अब जब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल देखते हैं तो हमें पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आपने यहाँ पे वैल्यूज लिखी हाफ, देन ये ए बी और ए डी, ये आपका बेस हो गया इसमें ट्रायंगल का और ये इसका परपेंडिकुलर या हाइट, देन आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा एल इंटू बी, ये एल और बी, देन उसके बाद में इसमें जब आप इस क्वेश्चन इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो हमें पहले वाली इक्वेशन को भी याद रखना है थोड़ा सा। अब इसमें देखिए ये चीजें हमने एज इट इज लिखी है लेकिन ओडी के नीचे मैंने यू लिखा है, ओई के लिए टी लिया है, तो वो इसलिए क्योंकि ओ डी आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी जहां से ऑब्जेक्ट ने मूविंग स्टार्ट करी थी, और ओ ई हमारा टाइम टेकन है तो इसलिए आपने यहाँ पे यू टी लिखा।
सेम फर्स्ट इक्वेशन की तरह ही आपने इसको डिराइव किया और सॉल्व करके s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर आपका कंक्लूजन आ गया। अब जो ये एक्सप्रेशन है, जैसे हमारा फर्स्ट जो इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस 80, वो भी एक रिलेशन था, सेम ऐसे ये भी आपका एक तरीके का रिलेशन है। दिस एक्सप्रेशन गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, जब हम ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो इनमें जो यूनिफॉर्म मोशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मीन्स की स्ट्रेट लाइन में होता है। आई होप आपको ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या कोई बात क्लियर नहीं हुई है, तो आप मुझसे कमेंट करके भी ये पूछ सकते हैं। नाउ थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन, इक्वेशन फॉर डिस्टेंस पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन। ये आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बोला था कि इसमें हम तीनों के लिए सेम ग्राफ लेंगे, बस इसकी जो मेजरिंग होगी वो थोड़ी अलग हो जाएगी। हमने फर्स्ट इक्वेशन करी, सेकेंड इक्वेशन करी, अब थर्ड इक्वेशन में भी आपको सेम ही देखना है। यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये यहाँ पे एक ट्रेपीजियम हो गया। जब हम फर्स्ट इक्वेशन करते हैं जिसमें हमारी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का रिलेशन देखते हैं, उसमें हम इस एक्सेलरेशन को पूरा कंप्लीट लेते हैं। बट जब हम ये दो इक्वेशंस करते हैं तो उस टाइम पे हम एरिया अंडर द स्लोप लेते हैं। ये आपका यू डी बी, ये आपकी एक्सेलरेशन है, ये इसका स्लोप है, इसके नीचे वाला जो एरिया है वही आप कैलकुलेट करेंगे। और ये आपका ट्रेपीजियम है, और जब हम इस ट्रेपीजियम को देखते हैं तो इसमें हमारे पास एक ट्रायंगल है और एक आपका रेक्टेंगल है। ट्रायंगल देखिए डी ए बी और रेक्टेंगल है आपका डी ए ई ओ, तो ये दोनों का एरिया प्लस करके इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है। अब इसमें देखिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज गिवन बाय द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। जो आप डिस्टेंस कवर्ड, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसमें हम जब डिस्टेंस कवर्ड की बात करते हैं तो वो आपका इक्वल होगा जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है उसके। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम मीन्स जो आपका ट्रेपीजियम यहाँ पे आपको दे रखा है ओ डी बी ए ई। अब जब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम की बात करते हैं तो लास्ट इक्वेशन जो सेकेंड इक्वेशन करी बिल्कुल उसी से सिमिलर है ये पॉइंट आपका। जब हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं तो उस टाइम पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होते हैं, तो यही आपका हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड प्लस में डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड। अब जब डिस्टेंस निकालेंगे आप इसमें तो हाफ डी ओ प्लस में बी ई, डी ओ और ओ ई। जब आप ये देखेंगे ये जो डी ओ है, ये वाली लाइन इस पूरी के पैरेलल में आती है, ठीक है, प्लस इनटू में ओ ई जो आपका ये बेस है, ये जो बेस पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, इसको ओ ई बोलेंगे। अब इसमें हमने डिवीजन नहीं करी है ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, हमने सिर्फ इसमें पैरेलल साइड को लिया है। पैरेलल साइड में आपकी फर्स्ट ये आ गई डी ओ, देन उसके बाद में बी ई, और मल्टीपल में आपने इसका बेस लिया है ओ ई, ये आपने लिखा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दी। देन आपने देखा जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हमने वैल्यूज निकाली थी v इज इक्वल टू यू प्लस 80, अगर आपको उसको इंटरचेंज करके लिखेंगे तो a इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में t। इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, जो आपकी a की वैल्यू है यहाँ पे, इसको अगर आप चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपकी t की वैल्यू आ जाती है, और इस t की वैल्यू को आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोल देंगे और इस वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब हम इस वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन की टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करके वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस आता है, जो कि आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और ये रिलेशन होता है पोजिशन एंड वेलोसिटी के बीच का। तो ये हो गई आपकी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इनकी डेरिवेशन थी, इनमें से एक एग्जाम में। तो प्लीज आप इन सब तीनों इक्वेशंस की लिखकर प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि डेरिवेशन में अगर आपका एक पार्ट भी छूट जाता है तो नीचे की इक्वेशन डिराइव नहीं होती है। अब मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में आपका चैप्टर 8 मोशन खत्म हो जाता है। अब देखिए, मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ, नाम से पता चलता है सर्कुलर, सर्कुलर मींस कि कोई भी चीज एक पर्टिकुलर सर्कल में घूम रही है। अब यहाँ पे मैंने एक डायग्राम से डिफाइन किया हुआ है, ये सर्कल है। अब इसमें डायरेक्शन कोई भी साइड हो सकती है क्योंकि सर्कल आपका ऐसे रोटेशन मोशन में होता है। सो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्क्यूलर पाथ इज कॉल्ड सर्क्यूलर मोशन। जब कभी भी मोशन एक सर्क्यूलर पाथ में होता है, मीन्स चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, बट एक पॉइंट से स्टार्ट होकर वापस उसी पॉइंट पर आकर मीट कर जाता है तो आपका एक सर्कल ड्रॉ होता है, तो उस टाइप के मोशन को हम सर्क्यूलर मोशन कहते हैं।
since on a circular path the direction of object is changing continuously to keep it on the path the motion of object accelerated motion. जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है तो आप कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि जिस तरीके से वो सर्कल रोटेट करेगा आपकी डायरेक्शन भी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती जाती है. तो ये एक डायग्राम था, एग्जाम्पल दे रखा है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे आपकी किस तरीके से डायरेक्शन होती है. नेक्स्ट है, अगर हम इसमें वेलोसिटी या फिर स्पीड की बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो उसमें हम इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज आर, अब जब सर्कल की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम रेडियस आर लेते हैं वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए, और हम सर्कमफ्रेंसेस लेते हैं. सर्कमफ्रेंस यानी कि डिस्टेंस होता है, 2πr इसका फॉर्मूला होता है. और एक पॉइंट, अब जब आप टाइम लेते हैं तो आप हमेशा उसको स्मॉल टी में लेंगे, किसी भी न्यूमेरिकल में आप टाइम टेकन को कैपिटल टी में डिनोट नहीं करेंगे, स्पेशली इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी नहीं. अब जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो मींस कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके वापस से उसी पॉइंट पर आकर मीट कर जाना, तो उस जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आके मीट करते हैं तो उस टाइम पर होती है आपकी एक रोटेशन कंप्लीट हो जाती है. जब वन रोटेशन पूरी होती है तो उस टाइम पे आपका जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी या स्पीड के लिए, तो ये है डिस्टेंस अपॉन में टाइम. ये आपने पहले भी पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस आपका मीटर में होता है, टाइम सेकेंड में. इसकी यूनिट इसी के बिहाफ पे बनेगी, मीटर पर सेकेंड. अब देखिए सर्कमफ्रेंस अपॉन में टी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर दिया है 2πr. अब यहाँ पे 2πr अपॉन में टी, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन में 7 या फिर 3.14, और अगर आपको दोनों में से कोई भी दे रखे हो आप वो ले सकते हैं, अदरवाइज जिससे आपको लगे कि कैलकुलेशन ईजी हो रही है आप वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं. अब इस फॉर्मूले के अंदर वी आपकी वेलोसिटी हो गई, आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, टी इज टाइम. उसके अलावा जो आपने मोशन पढ़ा है सर्कुलर पाथ में उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मोशन ऑफ अ टॉप, मोशन ऑफ अ ब्लेड्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन एक्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर मोशन. सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर मोशन. और अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो अभी भी समझ में नहीं आया तो आप वो मुझसे कमेंट करके पूछेगा. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे और ज़्यादा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने का मोटिवेशन मिले. और प्लीज़ इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.